ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सुनिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को ना इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। फिर आप सभी को जाना ऐड फोटो में, और आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना सिंपली कुछ इस टाइप से। एंड मैं इसको पहले यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ इस साइड को, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सिंपली आप सभी को करना है कि आपको इसे फुल स्क्रीन करके आप सभी को जो आपका मॉडल है उसका आधा शरीर आपको मतलब लैपटॉप के बाहर निकालना है, ठीक है। एंड जो आधा शरीर आपको लैपटॉप के अंदर करना था, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले हम इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देते हैं, एंड यहाँ से चलते हैं इरेजर टूल में, एंड यहाँ से जो है हार्डनेस बिल्कुल कम रखनी है, ठीक है, जितनी है उतनी रहने देना। एंड उसके बाद इरेजर में जाके यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से इरेज कर लेना है, ठीक है गाइज। तो गाइज, आप अभी बोलोगे कि यार ऐसे इरेज कर रहे हो तो भाई हमारे ग्रास कैसे दिखेंगे, तो गाइज उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं यहाँ से ओपेसिटी फुल कर लेता हूँ, एंड यहाँ से कर देता हूँ डन, ठीक है गाइज। तो उसके बाद आप सभी को मैंने ग्रास का पीएनजी दे रखा है, तो उसको मैं पहले यहाँ से ले लेता हूँ ऐड फोटो से। एंड ये ग्रास का पीएनजी है गाइज, ठीक है। तो आप सभी को एक ग्रास का पीएनजी मैं आप सबको दे दूंगा, और आप सबको ये कैसे लगाना है मैं आप सबको बताता हूँ। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आप सभी को पहले ना आपको इस ग्रास के पीएनजी को सिंपली ऐसे लगाना है, ठीक है। एंड ऐसे लगा देने के बाद आपको रिजर टूल में जाना है, एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देना है। एंड इसके बाद आप सबको ब्रश पे जाना है, ब्रश पे जाने के बाद आप सबको सिंपली गाइस जहाँ जहाँ से आपको मतलब कि ग्रास दिखाना है ना, आप सभी को सिंपली वहाँ वहाँ पर पेंट कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है गाइस। तो बहुत ईजी तरीका मैंने आप सबको बताया, ये आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इसमें। तो बस यहाँ पे इतना करना है, एंड पे आप सभी को यहाँ से जाना है। एंड जो इसका जो आपको है ना ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बस आपको जाना है यहाँ पे एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। एंड ब्राइटनेस को कम करके, एंड उसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नीचे या ऊपर की नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ा देना, ठीक है। एंड उसका जो सेचुरेशन है इसका, इसको आप माइनस में रखना, ठीक है। एंड जो शेडो है, शेडो को आप सभी को इसको जो शेडो तो कम ही रखनी पड़ेगी, है ना। तो शेडो को हम कम रखेंगे, एंड यहाँ से कर देते हैं डन, ठीक है गाइस। तो देखो, ये हमारे दूसरे वाली ग्रास से मैच हो चुका है, तो यहाँ पे इतना काम तो हमने कर लिया है। तो अब आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से जाना है ड्रॉ टूल में, ठीक है। तो जो हमारा जो मॉडल लगाया हमें लैपटॉप के पीछे यहाँ पे शेडो बनानी है उसकी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ब्रश पे सिलेक्ट करेंगे, साइज को हमको 64 तक रखेंगे, एंड ओपेसिटी को 20 कुछ तक, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को सिंपल यहाँ से इस तरीके से शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है। आप सभी को ऐसे शेडो क्रिएट करनी है, और आपको रियलिस्टिक से दिखाना, तो इसके लिए आपको शेडो जरूर बनानी है, क्योंकि अगर शेडो नहीं बनाओगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब कि बस ओनली ग्रास के ऊपर ही बैठा है। तो आप सभी को यहाँ पे मॉडल को मतलब पूरे शेडो के साथ एकदम अच्छे से रियलिस्टिक बनाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सभी को कुछ इस टाइप से पूरे में शेडो क्रिएट कर देनी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो गाइस, अगर आपकी ओपेसिटी अगर ज़्यादा हो भी जाती है ना, तो आप उसकी जो मतलब कि यहाँ से लेयर से आप इसकी ओपेसिटी को कम भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से पहले अभी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से हम चलते हैं लेयर में, एंड यहाँ से मैं आप सभी को दिखाता हूँ ओपेसिटी कम करके थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से जाएंगे, एंड यहाँ से आप नीचे के ओपेसिटी से ऐसा ओपेसिटी को आप कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं हम डन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे शेडो भी बन चुकी है। तो अब बात आती है हमारे यहाँ पे थोड़ी सी, हम यहाँ पे लगाते हैं, अब थोड़ा चलते हैं इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आप सभी को जाने ब्लर में, ब्लर में जाने के बाद जो गाइस इसका माउंट है आप सभी को इसको 2 तक रखना है, ठीक है, 2 तक रखना है। एंड यहाँ से जाना आप सभी को रेजर टूल में, एंड यहाँ से कर देना इन्वर्ट, एंड जहाँ से जो है साइज को छोटा करके फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से आप सभी को उस पर फेस पे ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है। फेस पे अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे पेंट कर देना है, ताकि जो मतलब कि फेस मतलब कि जो फोटो में ना गाइस बैकग्राउंड से जब हम मिला देते हैं तो थोड़ा सा ना फोटो में मतलब थोड़ा वैसा फटने जैसी फोटो ना थोड़ी सी फटने जैसी हो जाती है फेस वेस में, तो उसके लिए हम ये ब्लर वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद हमें यहाँ से थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, एंड ऐसे रेजर टूल में जाना है, ऐसे कर देना इन्वर्ट, एंड ब्रश पे जाके एंड साइज को छोटा करके एंड फेस पे सिंपली हम डोजेंट बन करेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऐसे करेंगे एंड ऐसे ब्रेक यहाँ पे कर लेते हैं, एंड एक नोज़ के ऊपर भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोज़ पे भी कर देते हैं, एंड ऐसे करते हैं डन। एंड जो अमाउंट है जिसका आपको 5 या 6 अराउंड इतना कुछ रख देना है, ठीक है, 5, 6, 7 तक कुछ इतना अराउंड रख देना है, एंड इसके बाद कर देना डन। एंड इसके बाद आप बॉडी पे करना है, तो उसके लिए चलेंगे टूल्स में, फिर एडजस्ट में, फिर एडजस्ट में जो ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, बॉडी को पर डोजन बन करना है, तो उसके लिए इन्वर्ट करते हैं, ब्रश के साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड ऐसे जूम करते हैं, एंड उसके बाद एक कोई पेंट यहाँ पे कर देते हैं, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी कर देते हैं, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कर देते हैं, एंड यहाँ पे टी शर्ट के ऊपर भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे इतना काम तो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस ना जो उसको बढ़ा के रखेंगे, ठीक है, 20 कुछ तक रखेंगे, एंड ऐसे कर देंगे डन, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका है, अब हमें रहती है एक पीएनजी लगानी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलना ऐड फोटो में, तो अब एक पीएनजी लगानी, तो उसके लिए क्या करना आप सभी को, जैसे ऐड फोटो से हम पहले इस पीएनजी को ले लेते हैं, एंड ये पीएनजी मैंने यहाँ पे ले लिए, तो सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है हम यहाँ पे कर देंगे स्क्रीन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम इस ब्लेंडिंग मोड पे करते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, एंड यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ा कम करके डन कर देते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से ओपेसिटी कम करेंगे, एंड ऐसे कर देंगे साइड में डन ऑप्शन पे क्लिक करके डन,
गाइस, तो हमारे यहाँ तक काम जो हो चुका है, अब बात आती है हमारे कलर करेक्शन की। तो अब उसके लिए क्या करना, आप सभी कहाँ से कर लेना फोटो को सेव एंड चलना लाइटरूम ऐप के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे अभी तक जब तक हमारे लाइटरूम ऐप ओपन हो रही है ना, और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। और आप में से मेरा कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, आप बढ़ते वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमने अपनी फोटो को ऐड कर लिया है तो थोड़ा अभी मतलब कि लोडिंग चल रही है। अब हमारी फोटो जो यहाँ पे आ चुकी है, अब उस पर हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन कर लेंगे। एंड उसके बाद आपसे यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको हल्का सा बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट है इसको आप सभी को इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। एंड शेडो है थोड़ा सा, मतलब हाईलाइट को कम करते हैं। एंड शेडो है इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो वाइट है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। वाइट को बढ़ा देना है एंड ब्लैक को आप सभी को कम कर देना है, ठीक है। नीचे वाले टूल में जाना कलर्स में, एंड उसका जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है। एंड इसके बाद जाना आप सबको मिक्स में, फिर इसका दो इंच कलर सेलेक्ट करना है, फिर इसकी सेचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड जो यहाँ पे येलो कलर है इसके जो ह्यू है आपको उसको माइनस कर देना है, ठीक है। जो आपकी टेबल है इसको ब्राउन कलर का करना है। एंड उसके जाएंगे ग्रीन कलर में, इसके ह्यू को माइनस में कर देंगे एंड इसके सेचुरेशन को प्लस में कर देंगे। एंड इसके बाद जाएंगे हम यहाँ से ब्लू कलर में, एंड इसकी सेचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देंगे, ठीक है। इसकी सेचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देंगे एंड यहाँ से कर देंगे हम, हमारा इतना काम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। एंड इसके बाद जाएंगे हम कलर्स के नीचे वाले टूल में। एंड इसके बाद यहाँ पे हम जो फोटो क्लियरिटी इसको इंक्रीज कर देंगे। एंड फोटो में हल्का सा विग्नेट डालेंगे, विग्नेट डालने से तो अलग ही फोटो लगती है यार, है ना। तो विग्नेट डालेंगे एंड ग्रेन अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद हम ऐसे जाएंगे इस वाले टूल में, एंड ऐसे फोटो की शार्पनेस है जो इसको बढ़ा देंगे। एंड जो नोइज़ रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देंगे, एंड जो कलर नोइज़ रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस। तो इतना काम हमारा हो चुका है। तो अब हम ऐसे चलेंगे कलर्स में, एंड थ्री पॉइंट्स वाले में चलेंगे। एंड इसको हम ले जाएंगे ब्लू टोन में, ठीक है गाइस। तो इसको हम ऐसे ब्लू टोन में ले जाते हैं। एंड आपका जो फेवरेट कलर हो आप उस वाले टोन में भी ले जा सकते हो, बट यार ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने मतलब करके देखा था अभी, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, तो आप भी ब्लू टोन में ही रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लू टोन में थोड़ा सा ले जाते हैं। एंड ये हम यहाँ पे जो हाईलाइट इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा डार्क ब्लू में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को इतना कर देना है, एंड यहाँ से कर देने के बाद आप सभी को कर देना है डन, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है सिलेक्टिव टूल में, एंड यहाँ पे आप सबको प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड सर्कल वाला ऑप्शन लेना है, एंड आप सभी को सिंपली फेस पे तरीके से कर देना है। एंड इस पे जाना है लाइट वाले पे, एंड एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड अगेन जाना है, फिर इसका सर्कल वाले ऑप्शन पे लेना है। एंड उसके बाद आप सबको कुछ अपनी बॉडी पे इस तरीके से कर देना है, एंड इसको यहाँ पे प्रेस करके इन्वर्ट कर देना है। एंड यहाँ से जाना आप सभी को इस वाले ऑप्शन में, एंड क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को थर्ड वाले ऑप्शन में, एंड उसके बाद आप सबको कुछ प्रेस करते हुए कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऊपर की तरफ ले आना है, एंड यहाँ से एक्सपोजर को कम कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा लाइट रूम का काम भी खत्म हो चुका है, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ गाइस बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फोटो बिल्कुल परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो आप सभी को यार आशा करता हूँ यार आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद आए तो यार कमेंट जरूर करना, तो यार कमेंट में बताना कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी है। एंड यार वीडियो को यार लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना यार, क्योंकि यार आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड भाई आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया ना, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी आप सभी को अपडेट सबसे पहले मिले। तो गाइस मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।